Hallelujah. Yeshu ki stuti ho. Yeshu ki aradhana ho. Hallelujah. Hallelujah. कुछ दिनों से मैं घर गया हुआ था, मेरी आवाज़ दब गया क्योंकि ये आवाज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, चुप रह रहा था, ना तो ईश्वर का वचन सुना रहा था, ना जोर जोर से हालेलुया बोल रहा था और आवाज़ दब गया। आप लोगों का आवाज़ बुलंद है, मेरी आवाज़ थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए आपको बीच बीच में वो बुलंद आवाज़ से मेरी सहायता करना है। क्या आप सहायता करेंगे? जोर से दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया हालेलुया। मैं समझता हूँ आगे जाकर मेरी आवाज़ भी बुलंद हो जाएंगे, खुल जाएंगे। हालेलुया यीशु की स्तुति हो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके बीच में पुनः आया हूँ। बहुत साल पहले, करीब 10-12 साल पहले हम यहाँ से गुजरे थे, तब यहाँ पर आए थे और पोलीगंज में उस समय साधना हो रहा था। हमारे दल के एक फादर बॉबी, उसके साथ हम भी वहाँ पर आए थे और साधना में बहुत ही कम लोग आए थे। उनमें से एक लड़का, छोटा सा एक लड़का था जिसका नाम क्रिस्टोफर, वो कुछ ही दिन के पहले मसीह से उनका मुलाकात हुआ, मसीह को जानने लगा, प्रार्थना सब घर में शुरू किया। उसने हमारे पास आकर एक बात बोला, फादर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हमने उससे कहा प्रार्थना करूंगा। कुछ समय के बाद, 10-15 मिनट के बाद वो मेरे पास आया और कहा फादर आप मेरे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। हमने उससे कहा जरूर प्रार्थना करूंगा। वो चला गया और आधा घंटा बीत गया, मेरे पास आया और बोला फादर आप ना भूलिएगा, मेरे लिए जरूर, मेरे एक विशेष मतलब है उसके लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। हमने उसे पूछा तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है, ये बताओ। उसने कहा फादर हम लोग 6 महीने पहले यीशु के बारे में सुना, यीशु को स्वीकार किया, अब मेरी अभिलाषा है, मेरी एक तमन्ना है, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाए। मैं अचंभे में पड़ गया। करीब 13 साल का लड़का है वो, मैं सोच रहा था वो और कोई बात के लिए प्रार्थना मांग रहा है कि उस परीक्षा में जीत जाए, घर में शांति छा जाए, किसी की बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा कोई मतलब लेकर के ये लड़का भी मेरे पास आए होंगे। सोच करके मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है। उसने कहा मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। भाई और बहनों, वो छोटे लड़के के लिए उनके हृदय में एक अभिलाषा है कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाए। यीशु जिस आत्मा के विषय में हम सबों से कहा, जो मुझ में विश्वास करते हैं वो से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। वो आत्मा के विषय में और अधिक जानने के लिए और उस आत्मा के लिए तरसने के लिए, उस आत्मा का महान प्रवाह हमारे हृदय से निकलने के लिए आज हम प्रार्थना कर रहे थे। बिशप स्वामी ने आपको
उस जुबली वर्ष के विषय में समझाया। आज हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय को खोलिए, हमारे होठों को खोलिए और हमारे शरीर में अधिकार ले लीजिए, हमारे पंच इंद्रियों के ऊपर अधिकार लीजिए। प्रार्थना करेंगे फिर एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर इस शरीर रूपी मंदिर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग पुनः प्रभु की स्तुति करेंगे। धीरे धीरे प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु हम में से कुछ लोगों को स्पर्श करता है, पाए पैर में जो दर्द है प्रभु दूर करता है। प्रभु शरीर में एलर्जी, शरीर में खुजली एलर्जी सब दूर करता है। इस तरह अनेक प्रकार के चिन्ह और चमत्कार हमारे बीच में प्रकट कर चुका है, क्योंकि प्रभु चिन्हों चमत्कारों आत्मा के भिन्न भिन्न वरदानों के द्वारा ये साक्ष्य का समर्थन करता है। प्राणियों के नाम पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने भी चिन्हों चमत्कारों नाना प्रकार के महान कार्यों और अपनी इच्छा के अनुसार प्रदत्त पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा उनके साक्ष्य का समर्थन किया। ये वचन को दोहराते हुए हम इस प्रवचन को शुरू करेंगे। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोलिए, ईश्वर ने भी चिन्हों चमत्कारों नाना प्रकार के महान कार्यों और अपनी इच्छा के अनुसार प्रदत्त पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा उनके साक्ष्य का समर्थन किया, उनके साक्ष्य का समर्थन किया। हालेलुया। हाथों को नीचा कीजिए। कौन हमारे साक्ष्य का समर्थन करेंगे? ईश्वर स्वयं साक्ष्य का समर्थन करेंगे, चिन्हों चमत्कारों आत्मा के भिन्न भिन्न वरदानों के द्वारा। इस प्रवचन के दौरान प्रभु साक्ष्य का समर्थन करेंगे, बातों का समर्थन करेंगे, वचनों का समर्थन करेंगे। बोलिए आमीन और जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जानते हैं पुराने विधान में अनेक नबी ईश्वर का वचन सुनाया। इब्रानियों के नाम पत्र इस प्रकार शुरू करते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूप में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था, अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है।
उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। भाई और बहनों, प्राचीन काल में ईश्वर ने नबियों के द्वारा बोला है। वचन में हम पढ़ते हैं नबियों के द्वारा ईश्वर ने अपना वचन सुनाया है। हम जानते हैं इसयास नबी, एजकियल नबी, योना नबी, ये सब ईश्वर के वचन बहुत ही जबरदस्त रूप से, बहुत ही प्रभावशाली रूप से लोगों को सुनाया और लोग अपने आचरण को बदला, अपने जीवन को बदला। वे रोते हुए, वे पश्चाताप करते हुए, अपने पाप आचरण को छोड़ते हुए, अपने जीवन को बदलते हुए ईश्वर की ओर अभिमुख हो गए हैं। इसके विषय में हम पुराने विधान में पढ़ते हैं, जैसे कि योना नबी के विषय में हम जानते हैं, योना से ईश्वर ने कहा तुम निनवे जा करके मेरा वचन सुनाओ, निनवे के लोगों से कहो कि ईश्वर तुम्हारे ऊपर विपत्ति भेजने वाला है, तुम्हारे देश को नष्ट करने वाला है। योना नहीं चाहते थे कि वो निनवे जाए, लेकिन वहां पर उसको जाना पड़ा। उसके बाद उसने निनवे नगर में घूम घूम करके ये वचन सुनाया, 40 दिन के अंदर ईश्वर इस जगह में विपत्ति भेजेंगे। और वे लोग इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। वे लोग राजा, प्रजा, जानवर सब उपवास और प्रार्थना में लग गए। वे टाट ओढ़कर, अपने ऊपर भस्म डाल करके राख में बैठ गए और पश्चाताप किया। और निनवे में योना एक पहाड़ में, एक जगह में, एक पेड़ के नीचे ये छाया में बैठा था और देख रहा था ये निनवे के ऊपर क्या बीतने वाला है। हालेलुया। योना देख रहा था कि निनवे के ऊपर क्या बीतने वाला है और वो देखता रहा। ईश्वर ने अपने जो दंड आज्ञा, ईश्वर ने जो सजा सुनाया, ईश्वर ने जो धमकी दिया, चेतावनी दिया, लोगों ने हृदय से पश्चाताप किया, तब ईश्वर ने उसे वापस ले लिया। उनके ऊपर कोई भी दंड नहीं भेजा, कोई भी विपत्ति नहीं भेजी। योना को बहुत गुस्सा आया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये योना को बहुत गुस्सा आया। क्यों योना को गुस्सा आया? वो देख रहा था कि ये देश नष्ट हो जाएंगे, ये देश के ऊपर विपत्ति आएगी, लोग नष्ट हो जाएंगे। योना को बहुत गुस्सा आया और ईश्वर ने योना से पूछा, क्या तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध जायज है? तुम्हारा क्रोध ठीक है? ईश्वर से योना ने बोला, मेरा क्रोध ठीक है, मुझको बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी, यहां तक आने के लिए मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, और मैंने जो भी बात तूने मुझे बताया, सब कुछ सुनाया, इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, ये लोग नष्ट नहीं हो रहा है, कोई भी नष्ट नहीं हो रहा है। भाई और बहनों, देखिए योना के दिल में क्या है। पापी के प्रति प्यार है क्या? योना के दिल में, योना के हृदय में पापियों के प्रति प्यार है? कोई प्यार नहीं है। योना के हृदय में अभी भी ऐसा मनोभाव है कि पापी नष्ट हो जाए, पापी नष्ट हो जाए, ईश्वर उनके ऊपर विपत्ति भेजे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए वचन में हम पढ़ते, यीशु जो वचन सुनाया वो नबियों के जैसा नहीं सुनाया, उससे भिन्न था। उसके हृदय में क्या था? पापियों के प्रति प्यार उमड़ रहा था।
यीशु के हृदय में पापियों के प्रति प्रेम उमड़ता है। सामारी स्त्री को देख करके यीशु ने कहा, यदि तुम उसे पहचानती जो तुमसे पानी मांगता है, तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। एक पापनी स्त्री जो पाप में डूबी हुई थी, जो व्यभिचार के पाप में फंसी हुई थी, उस स्त्री से यीशु कहता है, तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। मेरे मित्रों, अगर ये समारी स्त्री से योना वचन सुनाया होता तो समारी स्त्री शायद बेहोश हो जाती या मर जाती, क्योंकि योना का वचन सुन करके समारी स्त्री शायद बेहोश हो जाती। लेकिन यीशु ने उनको बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, पापियों के प्रति उनके हृदय में जो प्यार उमड़ रहा है, वो प्रेम से वचन सुनाया और वो समारी स्त्री अपना घड़ा वहां पर छोड़ करके, वहां पर देहात में जा करके लोगों को बुला लाई और कहा, यही वह है जो आने वाला है। प्रेम से प्रेरित होकर, दया से प्रेरित होकर, ईश्वरीय दया का मूर्ति भाव, यही वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों के नाम पत्र में, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। एक बार मेरे साथ बोलिए, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। सभी लोग दाहिने हाथ ऊपर उठाकर इस वचन को दोहराइए, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। हालेलुया। हाथों को नीचा कीजिए। भाई और बहनों, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर शांति है, ईश्वर दया है। जब हम बोलते हैं, प्रभु का वचन कहता है, वो पुत्र ईश्वर का बेटा ईसा मसीह उसका प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है। हालेलुया। ये पुराने विधान में जो नबियों ने सुनाया वैसा एक प्रवचन नहीं है। ये प्रभु यीशु जब प्रवचन देते उसका हृदय में प्रेम उमड़ रहा था, उसके शब्दों में वो प्रेम उमड़ रहा था। पापियों को दंडित करने का क्रोध नहीं था, पापियों को सजा देने का भाव नहीं था, पापियों को अपने गले लगाने का भाव लेकर के मानव पुत्र आया और वो मसीह मृतकों में से पुनर्जीवित होकर आज आपसे बात कर रहे हैं और मुझसे भी बात कर रहे हैं। आप विश्वास करते हैं कि मसीह, जैसे कि उसने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहूंगा। ये वचन पर आप विश्वास करते हैं? मसीह यहां पर उपस्थित होकर के आज आपसे बात कर रहे हैं। आपके पापमय जीवन में आपको वहां से उठाने के लिए, पापमय जीवन से उठाने के लिए, आपको एक नया अभिषेक देने के लिए, वो दिव्य प्रेम का अभिषेक जो समारी स्त्री को दिया था, वो जके उसको जो अभिषेक दिया, वो अभिषेक देने के लिए आपके बीच में हम पर मौजूद है। आप विश्वास करते हैं? जोर से बोलिए, आमीन। मैं विश्वास करता हूं, यीशु मेरे साथ है, वो मेरे दिल में है, वो मेरे आगे पीछे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, ये जो नया अभिषेक, नया पंतकोस जो मसीह हमें प्रदान करता है, वो अलग एक अभिषेक है। दुनिया में अनेक लोग शांति के बारे में, प्रेम के बारे में, दया के विषय में
भूलते हैं, लेकिन मसीह ने जो शांति के बारे में बोला, मसीह ने जो दया के विषय में समझाया, मसीह ने जो प्यार के विषय में समझाया, वो स्वयं मसीह ही था, उसका आत्मा के विषय में था, वो और कोई व्यक्ति के बारे में नहीं अपने विषय में बोला था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। भाई और बहनों, ईश्वर की दया का अर्थ क्या है? ईश्वर की दया के विषय में ऐसा कहते हैं, ईश्वर की दया क्या है? जिस बात के लिए हम योग्य थे, हमारी योग्यता किस बात के लिए था? पाप करने के कारण दंड के योग्य थे हम लोग, किस बात के लिए योग्य थे? दंड के लिए योग्य। सब पाप करने के कारण हम दंड के योग्य थे, लेकिन ईश्वर ने हमको वो दंड नहीं दिया, वो ईश्वर की दया है। ईश्वर ने हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया और हमारे दंड को रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया। वो दंड नहीं दिया, वो स्वयं दंडित हो गया। वो ईश्वर की दया है। ईसा मसीह है, स्वयं हमारे लिए दंडित हो गया। आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए दंडित हो गया है? दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए आमीन। वो मेरे लिए दंडित हो गया है, वो मेरे लिए छेदित किया गया है, वो मेरे लिए कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था, उसके द्वारा मुझे शांति मिली है। हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु ने जो दया के विषय में बोला है वो ये है कि वो मेरे लिए दंडित हो गया है, वो मेरे लिए छेदित किया गया है, वो मेरे लिए कुचल दिया गया है, वो मेरे कारण क्रूस पर मर गया है। ये दया के विषय में मसीह ने हमको सुनाया। वो स्वयं मसीह थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिन पहले एक बेटी हजारीबाग झारखंड डिवाइन मर्सी आश्रम में पहुंची। वो बेटी का नाम है सोनम कुमारी। बचपन से यीशु को नहीं जानती है, परिवार गैर ख्रिस्तीय परिवार है। उसके जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, उनमें से मुख्य बात यह है कि वो बचपन से उनकी एक आंख, यहां पर देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए, कोई भी इधर उधर ना देखिए, वचन को सुनिए, ये गवाही को सुनिए, और आपके जीवन में प्रभु महान कार्य कर रहे हैं और प्रभु यीशु यहाँ पर मौजूद है। ये सोनम कुमारी जैसे डिवाइन मर्सी आश्रम झारखंड में आई, उसकी मुख्य समस्या ये है, वो उसके बाएं आँख बहुत छोटा और आँख की पुतली एक कोना में पड़ा है, बिल्कुल उस आंख से कुछ भी नहीं दिखता है। दाहिने आंख की रोशनी दिनों दिन कम होती जा रहे है। डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया, डॉक्टर लोगों ने कहा तुम्हारी आंख का कुछ नहीं हो सकता, और उसको एक चश्मा दिया -18, एक चश्मा दिया, उसी से थोड़ा थोड़ा देखती है। अगर पीछे बैठी है कुछ नहीं दिखाई देती, सामने बैठी है कुछ छाया जैसे दिखाई देता है। 80% रोशनी खत्म हो गई और रोशनी घटते जा रहे। इस अवस्था में वो डिवाइन मर्सी आश्रम में आई। इतना ही नहीं, उसका शरीर में उसका खाल सिकुड़ जा रहे हैं, जैसे बहुत बूढ़ी एक स्त्री के जैसे उसका चेहरा हो गया, और हाथ भी ऐसा बिल्कुल सिकुड़ गया, उसका सौंदर्य खत्म हो गया। इतना ही नहीं, उसके चेहरे में बाल जैसे लड़के लोगों का जैसा बाल निकल करके आ रहा।
इन सारी बातों से वो बहुत ही जकड़ी हुई थी और घर में शैतानी हरकत वो बता रही थी कि उसके घर में बर्तन फेंकते हैं और किसी का चलने की आवाज और मम्मी भाई सबों के जीवन में काफी समस्याएं। इन सारी समस्याओं से घिरकर वो डिवाइन मर्सी आश्रम में आई और वहां पर वचन सुन रही थी। वो जब जब वचन सुनने के लिए आती थी फादर से मुलाकात करती थी और फादर से कहा करती थी कि फादर हमारे घर में शैतानी हरकत है, हमारे घर में ये सारी बातें हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे मेरे पापा नहीं हैं और मेरे घर में कोई विश्वास नहीं करते हैं, मैं बहुत ही कठिनाई में हूँ, मुझे देखना है, मुझे अपनी आँखों की रोशनी वापस चाहिए। कोई फादर ने उनको एक वचन दिया, वहाँ पर वचन की घोषणा के दौरान मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में जो यरीखो का अंधा उसके विषय में जो वचन है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10:46 में जो लिखा हुआ है, ये वचन उनको दिया, यरीखो का जो अंधा बर्थिमेयुस जो यीशु को पुकारता रहा अपने आंखों में रोशनी प्राप्त करने के लिए, वो यीशु को पुकारता रहा, ये जो वचन उसको दिया और ये बेटी घर चली गई और वो प्रार्थना शुरू किया, हे यीशु जन्मांध को चंगा करने वाले मेरी आंखों में रोशनी दीजिए, अपने दाहिने हाथ अपने हाँ आंखों में लगा करके वो रोज सुबह 3 बजे जाग जाती थी और प्रार्थना किया करती थी, जन्मांध को चंगा करने वाले ये यीशु मेरी आंखों में रोशनी दीजिए, बार बार बोलती रही। इस तरह 1.5 साल गुजर गया। पिछले 2 महीने पहले वो डिवाइन मर्सी आश्रम में आई और इस प्रकार गवाही दी। उसकी जो बाएं आंख जो बिल्कुल छोटा था, जन्म से छोटा था और आंख की पुतली एक कोने में पड़ा हुआ था, बिल्कुल रोशनी नहीं थी, वो आंख अभी दूसरे आंख के बराबर हो गया। वो जो आंख की जो पुतली है सामने बिल्कुल बीच में आ गया और दोनों आंखों में रोशनी आई। अभी 80% वो देख रही है, स्टेज में जो खड़े हैं उनको देख सकते हैं। हालेलुया भाई और बहनों, जो चमत्कार प्रभु ने किया वो एक अभिषेक, उसके हृदय में जो अभिषेक प्राप्त किया उसके वजह से। ये क्या कर रही थी, मैंने उससे पूछा तू घर में जाकर के क्या कर रही थी, कैसे प्रार्थना कर रही थी, उसने कहा मैं दुनिया भर के जितने भी अंधे लोग हैं, जितने भी लोग आंख के कारण परेशान हैं, आंख के रोशनी के कमी के कारण जितने भी लोग परेशान हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। सुबह 3 बजे जाग करके दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी और अपनी आंखों में हाथ रख करके जीवित प्रभु से मसीह से प्रार्थना किया करती थी, जन्मांध को चंगा करने वाले हे यीशु मेरी आंखों को रोशनी दीजिए। भाई और बहनों, ये प्रार्थना 1.5 साल तक करने के लिए ईश्वर की आत्मा ने उसको अभिषेक दिया। वो न सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रही थी, दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए, उन्हें पाव लहू से धो दे, ये प्रार्थना कर रही थी। भाई और बहनों, ये प्रार्थना उसने 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बीते 1.5 साल के लिए जारी और ईश्वर के महान कार्य उसके जीवन में संपन्न हो गया। और देख रही है अब जब वो बोलने के लिए खड़ी हो जाती है, वो उसकी बोली बंद नहीं होती है, लगातार बोल रही है। किसके विषय में बोल रही है? मसीह के बारे में बोल रही है। जोर से ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया।